वैसा गाइज आई होप ये आर वेल आई यू वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पैर के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। पूरे साल में 365 दिन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पर लेकिन हर एक दिन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ढंग से आप लोग उसको यूटिलाइज करोगे तो एक एक दिन जो है वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे घर में एक एक ईंट जब आप लोग लगाते हैं ना, पूरा घर बन जाता है। यही एक एक दिन जब आप लोग अपनी जिंदगी में इसको इंप्लीमेंट कर इसके अंदर चेंज करेंगे, अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये इतनी शानदार आप लोगों के लिए घर तैयार हो जाएगा जिसके अंदर रहकर आप लोग अपनी जिंदगी जियोगे, यानी कि आपकी आदतों का घर। तो अपनी आदतें अगर आप लोगों को सुधारनी है सही तरीके से तो एक एक दिन को आप लोगों को यूटिलाइज करना पड़ेगा, और हर एक दिन जो है आप लोगों को एक नया चांस देता है आप लोगों को नई आदत बनाने के लिए, अपनी पुरानी बेकार आदतों को छोड़ने के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने लाकर रखता है। तो जब भी आप लोगों को कभी लगे कि यार जिंदगी बड़ी बेकार चल रही है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो रुकिए और एक सांस लीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए कि नहीं यार अपने दिन को ढंग से यूटिलाइज करना है। अगर ये वाली स्प्रिट एक बार अंदर आनी स्टार्ट हो गई ना, तो जिंदगी में ऐसे मुकाम पर पहुंचोगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक बार जीकर देखो अपने एक एक दिन को और फिर देखना कितना मजा आता है जिंदगी को जीने में। कल था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का बर्थडे, तो काफी शानदार तरीके से हमारे देश के अंदर कोविड-19 की डोज जो है वो लोगों को दी गई, लगभग 2.5 करोड़, एक दिन के अंदर 2.5 करोड़ लोगों को कोविड-19 की डोज दी गई, तो एक नया रिकॉर्ड यहां पर बना है। तो यहां पर आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर अभी बचे हुए हैं जिनके द्वारा अब तक अपनी डोज नहीं ली गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी डोज जो है वो जरूर ले लीजिए, और जिसकी सेकंड डोज अभी होने वाली है वो भी उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, मेरा अभी एक डोज हो चुका है, एक बचा हुआ है, तो उसका टाइम आ रहा है अभी, देखूंगा उसको जल्दी, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जिसने ले लिया है एक डोज तो वो एक लिखना, ठीक है, जिसने ले लिया है दो वो दो लिखना, और जिसने अब तक नहीं लिया है वो नो लिखना। ठीक है, ऐसा भी है कोई अब तक यहां पर इस वाली कैटेगरी में, तो देखो अगर है तो जल्दी से यार कोशिश करो अपनी एक डोज कम से कम कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो ये है इसके बारे में बात। बाकी यहां पर आज एडिटोरियल तो काफी शानदार मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, इसी के साथ में जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पेन और कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि सारी चीजें पीपीटी में पॉसिबल नहीं होती है, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम, उनके हेडक्वार्टर, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को पहुंचाएगा, तो इसके रिलेटेड आप लोग चीजों को जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा इसको थोड़ा सा, और तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे। कल एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, इसका आंसर जो है एक दो बच्चों के द्वारा ही ढंग से लिखा गया जो मैं पूछना चाह रहा था आप लोगों से। ठीक है, मैंने आप लोगों से याद पूछा था यहाँ पर बोअर युद्ध के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ जिसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की चीजें जब न्यूज में रहती है तो आप लोगों से बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले तो ये था कि ये जो युद्ध हुआ था ये कहां पर हुआ था। ठीक है, अगर आप लोग बोले कि किस किस के बीच में होता, तो ये आप लोगों को साउथ अफ्रीका में देखने को मिला था, और साउथ अफ्रीका में जब हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी वहां पर थे, तो उनके द्वारा यहां पर इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया गया, बंदूक लेकर नहीं, भाले लेकर नहीं, लाठी लेकर नहीं, उनका तरीका थोड़ा अलग था। उनके द्वारा खासकर हेल्प की गई उन लोगों की जो वहां पर जिनको एक तरीके से नहीं लड़ाई में जिनको इंजरी हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है, तो इनकी पूरी टीम थी यहां पर। तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये इनकी पूरी टीम थी जिनके द्वारा यहां पर बेसिकली पार्टिसिपेट किया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा उसके बारे में आप लोगों से बातें करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो यहां पर आंसर इसका सी हो गया, कल डिस्कस किया था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, पर इंपॉर्टेंट है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा जलियांवाला बाग के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की रिसेंटली। ठीक है, क्योंकि उसका मेमोरियल बनाया गया, तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाए तो आप लोग बोले कहां से आ गया क्वेश्चन। तो समझते हैं, जब यहां पर ये युद्ध चल रहा था उस टाइम पर ब्रिटेन के और अफगानिस्तान के बेसिकली बीच में, एक तरीके से यहां पर हमारी कंट्री के जो पर्सन थे इनके महात्मा गांधी जी थे, उनके द्वारा यहां पर एक पर्टिकुलर सर्विस स्टार्ट की गई जिसको बोला गया यहां पर नेटल इंडियन एम्बुलेंस कोर। ठीक है, तो याद रखना एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई, कहां पर स्टार्ट की गई, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यहां पर ये स्टार्ट की गई। जो भी लोग यहां पर लड़ रहे थे इस युद्ध के अंदर और जो उनकी बेसिकली कोई भी इंजरी होती थी, तो यहां पर ये क्या करते थे, हेल्प करते थे। और ये सेकंड वॉर थी यहां पर जो कि 1899 से लेके 1902, यानी कि 1899 से लेके ये 1902 तक यहां पर ये वॉर चली थी, जिसमें यहां पर इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, और इसी में पार्टिसिपेट करने की वजह से इनको यहां पर केसरी हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी को जब केसरी हिंद की उपाधि दी गई यहां पर, तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो थे यहां पर, ये 1910 से लेके 1916 तक, तो ये थे वो पर्सन जिनके बेसिकली यहां पर जिनके द्वारा यहां पर ये एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करने की वजह से महात्मा गांधी जी को ये उपाधि दी गई है। ठीक है,
देखिए आप लोगों को ना हिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कर चलेंगे चीजें तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है, खासकर जो आप लोगों के गवर्नर जनरल होते हैं, वायसराय होते हैं, तो उसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी आप लोगों को लगती है आप लोगों को बेसिकली इकट्ठा कर सकते हैं, उतनी आप लोग जरूर इकट्ठा करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर अभी बात आ गई किसके बारे में, यहां पर बोल दिया उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। ठीक है, 1910 से लेकर 1916 तक ये इंसान रहा, और आप लोगों को याद होगा अगर इसके बारे में बात करूं जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है, तो उसका जो रिवर्सल किया गया था, आप लोगों को पता है ना 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने को मिला था, बंगाल विभाजन जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका जो रिवर्सल किया गया था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था, और ये 1911 में किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां पर, और एक ग्रांड दरबार लगाया गया था दिल्ली में, तो यहां पर किंग जॉर्ज V थे, ठीक है, तो वो आए थे बेसिकली, और यहां पर कैपिटल जो थी वो ट्रांसफर की गई थी दिल्ली से कोलकाता। ये सारी बातें आप लोगों को बताया ना, हिस्ट्री का पोर्शन है, और ये क्वेश्चन ऐसे है जो रिपीटेडली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं यहां पर जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इसी के टाइम पर यहां पर 1915 में बेसिकली हिंदू महासभा स्टैब्लिश की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आप लोगों से क्वेश्चन है यहां पर आप लोगों को ये बताना है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब किया गया था, और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम बताएगा, और किस कंट्री में उसका फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट बात एक यहां पर ये है, जब यहां पर इनको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को साउथ अफ्रीका में इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने की वजह से, उसी के आगे चलकर फिर गांधी जी ने इसको रिटर्न कर दिया था जब यहां पर जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हमारी कंट्री के बहुत सारे निहत्ते लोगों की जब जान गई थी उन्होंने इसको रिटर्न कर दिया था, और फिर इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और यही वो खिलाफत मूवमेंट है जिससे इंडिया के अंदर में हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसने काफी बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी आप लोगों के 4-5 पॉइंट बताए, ये वो 4-5 पॉइंट है जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं एग्जाम में, और आगे भी क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में मत आना। ठीक है, तो ऐसी चीजें बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, आइए क्वेश्चन का आंसर यहां पर दीजिएगा। बात की जा रही है सेंट हेलेना, तो सेंट हेलेना आइलैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है, ये क्वेश्चन का है बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जब भी कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन देता हूं तो उसको जाकर मैप में निहारा कीजिए, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको देख लिया कीजिए, आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। किसी चीज को लिख लेते ना एक बार तो फिर भूलते नहीं आप लोग। तो यहां पर नॉर्थ पैसिफिक ओशन या साउथ पैसिफिक ओशन या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन या फिर साउथ अटलांटिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर, उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक या फिर दक्षिणी अटलांटिक, तो आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, आंसर आप लोग बताइए, फिर वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आप लोग को बताऊंगा। बाकी प्यारा डिस्कशन रहेगा, कॉपी और पेन लेके बैठना, फिर से बोल रहा हूं, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था। ठीक है, तो जिससे कि जो जो भी पॉइंट बोलता रहा हूं बहुत सारे पॉइंट रहेंगे जिनको आप लोग नोट डाउन करते रहना। ओके, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग नजर डालते हैं एक बार क्या क्या हम लोग एडिटोरियल के अंदर डिस्कस करना है, और फिर न्यूज एनालिसिस देखकर जरूर जाना। कई सारे बच्चे बोलते हैं एडिटोरियली पर अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो कई सारे फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, तो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, जानेंगे कैसे। एनसीएलटी के बारे में बात की जा रही है, इसी के साथ में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो समझेंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ट्रिब्यूनल को भी डिस्कस कर लेंगे, रिविजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से जानेंगे। यहां पर अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है, देखिए बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी एक ओवरव्यू आप लोगों को जरूर दूंगा ताकि आप लोग इसको समझ पाए इसके बारे में। बाकी इसके बारे में जब वीडियो के एंड में टाइम बचेगा तब इसको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, ताकि वो आर्टिकल पहले डिस्कस करेंगे जो कि अभी नए नए आर्टिकल है सारे। ठीक है, यहां पर ये साइड वाला जो आर्टिकल अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये आर्टिकल अभी आप लोगों को बताएं, यहां पर बेसिकली अभी जो है T20 के अंदर विराट कोहली साहब को जो है एक तरीके से उसकी कैप्टनसी के बारे में भी बात की जा रही है। तो अभी यहां पर काफी लंबे समय से जब यहां पर धोनी जी रिटायरमेंट हुए थे, ठीक है, तो तब से लेकर यहां पर विराट कोहली जो है वो है अभी आज के डेट में कैप्टन है, तो उसी के चलते डिस्कस की जा रही है चीजें, तो उसी के बारे में है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये कि पता होना चाहिए चल क्या रहा है। ठीक है, ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, इस वाले आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। बेसिकली अभी रिसेंटली केरला के अंदर क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, और ये वाला आर्टिकल भी यहां पर इसी से रिलेटेड है, यानी कि ये भी केरला से रिलेटेड है, पर लेकिन दोनों आर्टिकल में चीजें अलग अलग है, तो दोनों आर्टिकल केरला के बारे में, तो दोनों को कंबाइन कर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अभी केरला के अंदर कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से यहां पर दिक्कतें सामने निकल कर आ रही है, तो उसके चलते आर्टिकल को समझाऊंगा कई सारे एंगल से, तो आप लोग अच्छे से उसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में, और कई तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, हर तरीके से समझेंगे, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखिएगा, यहां पर अभी रिसेंटली क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं वो सारी बातें बताऊंगा, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि अभी अगर बात करें, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम है AIS चीमा। ठीक है, तो AIS चीमा जो है यहां पर AIS चीमा, ठीक है,
तो ये यहां पर अभी यहां पर जो यहां पर NCLAT इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। NCLAT जो है उसके चेयरपर्सन थे, तो उनका रिटायरमेंट जो है वो उनका रिटायरमेंट 20 तारीख को होने वाला था, पर लेकिन उनको पहले ही रिटायर करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इनका टेन्योर जो है वो पूरा होने दो, ठीक है। जब इनका टेन्योर जैसे ही पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट यहां पर जो आप लोगों को अभी इसके चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उसका नाम याद रखते हैं, वो है एम वेणुगोपाल, ठीक है। तो एम वेणुगोपाल, क्या आप लोगों ने पहले इनका नाम सुना है? जरूर सुना होगा इनका, पहले मैंने आप लोगों को नाम बताया, पहले इससे पहले किस पोस्ट पर रह चुके हैं रिसेंटली, अभी ये आप लोगों को बता रहे हैं। एन वेणुगोपाल जो है अभी यहां पर ये इसके चेयरपर्सन बनेंगे, अभी उनके द्वारा अपॉइंटमेंट ले लिया गया था, पर लेकिन अभी इनको छुट्टी पर भेज दिया गया, बोला गया कि पहले जो पर्सनैलिटी वहां पर काम कर रहा है उसको बेसिकली टेन्योर पूरा करने दो, और जो भी केस चल रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही थी कि उनका कोई ऐसा बंदा बैठे आकर ताकि गवर्नमेंट के हिसाब से काम चल सके, तो इसी की वजह से यहां पर दिक्कतें निकल कर आ रही हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट तो बात यहां पर है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसमें फिर से इनको यहां पर एक तरीके से पोजीशन दे दी गई है कि अपना टेन्योर पूरा करेंगे और जब यहां पर एम वेणुगोपाल आएंगे, ठीक है। इसी के साथ में इंपोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिला, जो भी पोस्ट खाली पड़ी हुई थी ट्रिब्यूनल के अंदर, वो बहुत सारी पोस्ट जो है वो भी भरी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अपनी इच्छा से वो पोस्ट नहीं भरी गई है, जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर आया उसके बाद में इनके द्वारा ये पोस्ट भरनी स्टार्ट की गई है। तो ये कुछ बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो जो बात चल रही है यहां पर, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में बात चल रही है जिसको बोलते हैं NCLAT, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को यहां पर NCLAT और इसी के साथ में यहां पर हम लोग बात करेंगे NCLT, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं NCLAT के बारे में। बेसिकली बनाया गया था कंपनी एक्ट के तहत, तो सेक्शन यहां पर 410 है जिसके तहत इसको बनाया गया था। तो यहां पर जो ऑर्डर देता है यहां पर किसके, अगर ऑर्डर देता है किसके लिए देता है, जब यहां पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर जो भी कोई काम चलता है अगर उससे सेटिस्फाई नहीं है लोग, तो फिर यहां पर इसके अंदर आते हैं NCLAT, अपलेट ट्रिब्यूनल, इसलिए बोला गया अपील की जाएगी, जो भी डिसीजन इसके द्वारा दिया जाएगा उसकी अपील यहां पर जाएगी। तो इसलिए यहां पर आप लोग इसको बोल सकते हैं जैसे कि हाई कोर्ट हो गया और यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है यहां पर ये प्राइमरी स्टार्टिंग चीजें ये करता है, जो जो भी चीजें उसको एनालाइज करता है, क्या क्या फैक्ट्स और फिगर है ग्राउंड लेवल पर ये इकट्ठा करता है, और जब इससे लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं फिर जाते हैं नेशनल कंपनी अपलेट, अपलेट मतलब अपील करने वाला, तो यहां पर जो डिसीजन आ गया उससे खुश नहीं है तो यहां पहुंच जाओ, ठीक है। तो यहां पर फिर ये इसको देखेगा कि NCLAT यानी कि इसके द्वारा क्या क्या बातें की गई है उसको चेक करेगा, ठीक है, इसके द्वारा कैसे कैसे चीजों को एनालाइज किया गया उसको ये एनालाइज करेगा अगर खुश नहीं है यहां पर जो भी पार्टी है, और फिर यहां से जो भी इनके द्वारा फैक्ट इकट्ठे किए गए उनको ये एनालाइज करेगा। तो यहां पर फिर डिसीजन निकल कर आएगा, ये नेक्स्ट वाला डिसीजन, पर लेकिन अगर पता चला कि इसके डिसीजन से भी अगर कोई खुश नहीं है कि भाई साहब आपने भी ढंग से डिसीजन नहीं दिया, तो फिर कहां जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, वनडे टाइप एग्जाम में। तो याद रखिएगा यहां पर फिर इंसान पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ठीक है, यानी कि NCLT का जो डिसीजन आता है वो जाएगा NCLAT के अंदर, और NCLAT का जो डिसीजन जाता है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। NCLAT जो है यहां पर ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये हियर करता है अपील, NCLT मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उन्हें कहते हैं दिवालिया निकल गया कंपनी का, ठीक है, ये एक तरीके से कंपनी दिवालिया हो गई, बिल्कुल बर्बाद हो गई। तो अगर वो वाले केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहां पर इसके तहत इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के ऑर्डर पास किए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 61 देखने को मिलेगा, इसी के साथ में ऑर्डर पास किए जाते हैं इंडिया के अंदर सेक्शन इसी से रिलेटेड जो यहां पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी कि यहां पर ये बेसिकली नाम में आप लोग देखते हैं ये कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर है उनके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। तो कंपनी में कोई भी दिक्कत हो रही है तो ये सारी बातें अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। टाटा वाला केस याद होगा, साइरस मिस्त्री वाला, तो वहां पर जो यहां पर NCLAT का डिसीजन आया था, फिर चल के सुप्रीम कोर्ट में चीजें पहुंची, तो वो यहां पर यही प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन देकर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, अब थोड़ा समझते हैं यहां पर। देखिए नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट आके ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बनाती है, ट्रिब्यूनल को अगर आप लोग देखोगे तो ट्रिब्यूनल बनाए कैसे जाते हैं पहले आप लोग वो समझिएगा, तब आप लोग चीजों को समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। पहले आप लोग ट्रिब्यूनल की अगर पोजीशन भी देखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इसके नीचे नॉर्मली आप लोगों को ट्रिब्यूनल देखने को मिलते हैं, जैसे मेट्रोपॉलिटन लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, यहां पर आज के साथ में आप लोगों को ट्रिब्यूनल देखने को मिलेंगे, और ये इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट हो गया और फैमिली कोर्ट हो गया। ये सारे मैंने पॉलिटी में डिटेल में पढ़ा रखे हैं ताबड़तोड़ तरीके से, जो रिवीजन अभी कर रहे हैं पॉलिटी के लेक्चर देखकर उनको सबको पता है कि क्या-क्या ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली यहां पर आप लोग अगर नॉर्मल तरीके से समझना चाहेंगे तो एक तरीके से ट्रिब्यूनल बनाया इसलिए गया था ताकि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर जो बर्डन पड़ा हुआ है दुनिया भर के केसेस हैं उनको बेसिकली सुलझाया जा सके। आप लोग बोलेंगे कैसे सुलझाया जा सके, तो सुलझाने का तरीका आप लोगों को बेसिकली ये देखने को मिलेगा जब ट्रिब्यूनल के अंदर कोई केस जाता है और जो हाईकोर्ट के अंदर कोई केस जाता है उनमें डिफरेंस आ जाता है। जब हाईकोर्ट के अंदर कोई केस जाता है तो उसको प्रॉपर एक सिस्टमेटिक जो सिस्टम के थ्रू यहां पर चला जाता है, प्रॉपर एक डिसीजन यहां पर आता है, लंबा टाइम यहां पर लग जाता है, सारी चीजें प्रॉपर वे में चलती हैं, पर लेकिन
जो ट्रिब्यूनल है वो यारी दोस्ती में काम को निपटा लेते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी 5-6 महीने के अंदर काम को निपटा लेंगे। और यहां पर इसलिए इसको अवार्ड बोला जाता है, और यहां पर जजमेंट या फिर डिक्री बोलेंगे आप लोग, ठीक है। यहां पर स्पेसिफिक केस आ सकता है कोई, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया जिसको आप लोग एनजीटी बोलते हैं, तो उसका केस आ गया। लेकिन यहां पर तो कोई भी केस जाएगा, खुला दरबार है, जो भी जाना है यहां पर जाइए, ऐसा देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल जो है यहां पर वो भी पार्टी हो सकता है डिस्प्यूट के अंदर में, पर कोर्ट जो है वो तो अलग से डिसीजन देता है। यहां पर चेयरपर्सन होते हैं, यहां पर जज होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कोड ऑफ प्रोसीजर। तो इसके बारे में जैसे मैंने बताया भी था कि अभी ईपीएफओ के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहां पर ट्रिब्यूनल जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो नहीं करता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखेगा। यहां पर क्या फॉलो किया जाता है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसी चीजें कि आप लोग अपने ही केस में खुद जज नहीं हो सकते। इसी के साथ में इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, किसी भी पर्सन को अगर कोई सॉल्यूशन निकाल के देना है तो बिना सुने हुए उसके केस में आप लोग को डिसीजन नहीं देना है। सुन लीजिए पहले एक बार क्या चीजें हैं, पता चला सुना ही नहीं, मुझे पता है इसने क्या गलती की होगी, पहले भी इसने हरकतें की है, ऐसे थोड़े ना होता है, सुनो तो सही केस के बारे में, तो तब डिसीजन देना। तो ये बातें हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में अगर बात करें, 2010 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो इसके द्वारा यहां पर लाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस आर्टिकल से निकलकर आता है, संविधान के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आर्टिकल 21 है यहां पर, जो कि राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। तो राइट टू लाइफ का मतलब क्या हो गया, राइट टू लाइफ का मतलब हो गया कि एक तरीके से ऐसी लाइफ जिसमें इन्वायरमेंट पोल्यूट न रहे, तभी तो इंसान जिंदा रहेगा, तो ये राइट टू लाइफ की कैटेगरी में आ जाता है। तो यहां से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकल के आता, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हमारी कंट्री वर्ल्ड में तीसरे नंबर थी, ऑस्ट्रेलिया थी पहली कंट्री, और दूसरी थी कौन सी, पता है कौन सी थी, हाँ बिल्कुल यही है, न्यूजीलैंड थी। तो यहां से बाद में हम लोगों ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना लिया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का भी आप लोगों का थोड़ा रिवीजन हो गया, ये भी आप लोगों को बेसिकली याद रखनी है चीजें, रिपीटेडली आप लोगों को बताता रहता हूं इसलिए, ताकि लंबे समय तक आप लोग इनको याद रख पाए, भूल ना पाए। तो ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के पास में जो डिसीजन जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास में जो केस जा रहे हैं, उनको जल्दी से निपटा लिया जाए। रीजन क्या रहता है इसका, रीजन ये रहता है क्योंकि कई बार ऐसे इशू रहते हैं, मान लीजिए कोई मूवी रिलीज होनी है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड अभी एक ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट के द्वारा अभी हटाया गया, तो उसके बारे में काफी कॉन्ट्रोवर्सी कि मूवी रिलीज होनी है, पता चला मूवी रिलीज होनी थी 2 महीने में, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल में केस पहुंचना था, अब लेकिन वो कोई हाई कोर्ट में पहुंचा करेंगे। अब हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है 6 महीने थे, हाई कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, पता चला वहां पर 2 साल हो गए। अब मूवी रिलीज होनी थी तो जितनी लेट होगी उतनी ही मूवी की बर्बादी होगी, दुनिया भर का पैसा लगा हुआ है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। हाई कोर्ट में अगर केस जाएंगे तो फिर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक थ्रू से होकर जाएंगे और दिक्कतें देखने को मिलेगी। एनसीएलटी में बेसिकली क्या रहता था, यहां पर दिक्कतें ये रहती थी, मैक्सिमम केस जाते थे गवर्नमेंट के खिलाफ, आप लोगों का एग्जाम हुआ उसमें नकल चल गई, पता चला कैट के अंदर यहां पर डिसीजन पहुंच गया, ठीक है, अब उसका डिसीजन आएगा निकलकर तो फिर सामने निकल कर आएंगी चीजें। तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट क्या चाहती है, यहां पर इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम जो यहां पर डिसीजन आते थे इसके सीरीज में वो गवर्नमेंट के खिलाफ आते थे, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये बोल रहा है कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर आप लोगों के खिलाफ डिसीजन आ रहे तो आप लोग उस बॉडी को बर्बाद करोगे क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली एक तरीके से जो चीजें देखी रखी यहां पर, तो गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में यहां पर माना जाता था ट्रिब्यूनल काफी बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि ट्रिब्यूनल पहले ही मैटर को निपटा लेता था। और इंपॉर्टेंट क्या, ट्रिब्यूनल गलत डिसीजन भी दे सकता, क्यों, क्योंकि आगे चल के इसका जुडिशियल रिव्यू भी होगा, तो इसलिए ट्रिब्यूनल को भी अपना काम ढंग से करना होता है। तो ये कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती थी। तो ट्रिब्यूनल जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि बनाया इसलिए गया था ताकि इंडिपेंडेंट तरीके से ढंग से चल सके और रेगुलर कोर्ट के ऊपर ज्यादा बर्डन न पड़े, नॉर्मल जो हमारे हाईकोर्ट वगैरह होते हैं, और सारी चीजें यहीं पर ही निपटा ली जाए, पर लेकिन ऐसा कुछ नॉर्मली देखने को मिलता नहीं है। रीजन ये था कि इसमें अलग अलग एक्सपर्ट बैठा दिए गए थे, अलग अलग फील्ड के इन्वायरमेंट का एक्सपर्ट बैठा दिया यहां पर, लेकिन जो जज रहता है वो तो एक नॉर्मल तरीके चीजों को देखेगा। अब यहां पर एनजीटी में कोई केस गया तो इन्वायरमेंट के यहां पर कोई इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अगर एनसीएलटी के अंदर कोई डिसीजन जा रहा है तो वहां पर कंपनी के मैटर के रिलेटेड जो भी एक तरीके से नॉलेज वाले पर्सन है जिनको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हाईकोर्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये जो कोर्ट है एक तरीके जर्नलिस्टिक फॉर्म में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। ये तो एक तरीके से जज हो गए, वो केस सुनने स्पेशलिस्ट पर्सन थोड़ी ना इसके पास में कोई, वो फैक्ट्स और फिगर को देखकर डिसीजन देते हैं, लेकिन अगर जाएंगे ट्रिब्यूनल में तो स्पेशलाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर जो केस आते थे निकलकर कई बार गवर्नमेंट के खिलाफ देखने को मिलते थे, तो इसलिए यहां पर गवर्नमेंट ऐसे स्टेप उठाती है यहां पर नजर आई। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है जब यार तुमसे अपॉइंटमेंट होती नहीं है और तुम इसके फंक्शन को ढंग से चलाते नहीं हो ट्रिब्यूनल के, तो फिर यहां पर नेशनल ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बना देते, नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन। तो ये कई बार बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन ऐसे ही बनाने की बात करें, जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, उसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए,
तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, ये आंख नाक कान बंद करके सारी चीजें फॉलो करेंगे बिना कोई आवाज उठाए हुए, ठीक है। तो वो चीजें हैं, पर लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरीके से इसको सही तरीके से चाह नहीं रही है कि आगे बढ़े, इसको बेसिकली एक तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। अभी एक स्टेटमेंट दी गई थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन साहब के द्वारा कि ट्रिब्यूनल को नपुंसक बनाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ट्रिब्यूनल का वधियाकरण किया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से ये बातें की गई थी, वो कैसे होगा, उसके अंदर अपॉइंटमेंट ही मत करो किसी की, अगर वो खास पोस्ट खाली पड़ी रहेंगे तो काम ही नहीं करेगा, अपने आप उसकी इंपोर्टेंस कम होती चली जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे भी स्टेटमेंट यहां पर कोर्ट के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि किस लेवल पर यहां पर अभी रस्साकसी चल रही है। अब कुछ इंपोर्टेंट बातें जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ट्रिब्यूनल ओरिजिनली हमारे संविधान में अवेलेबल था? ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रिब्यूनल हमारे संविधान में अवेलेबल हो, ये बाद में इसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। तो ये आप लोग याद रखिएगा 1976 में, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल 323A के अंदर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बोला था ना, एक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, याद रखना, बाकी बचे कुछ जो सारी बेकार है वो यहां पर इसमें आ जाएगी अदर, ठीक है। तो बी का मतलब बेकारी जो बच गई, याद करने के लिए वैसे गलत तरीके से मत लेना, ठीक है। बेकारी मतलब जो भी टैक्स का हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर लॉज, ये सारे मैटर जो भी होंगे बाकी का बी वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। कोई डिफरेंस अगर आप लोगों से पूछने लगे तो देखना कि जो बेसिकली आर्टिकल 23A है 23B है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो आर्टिकल 23A जो है उसको एस्टैब्लिश करेगी ओनली पार्लियामेंट, आर्टिकल 23B जो है इसको यहां पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आर्टिकल 323A के तहत यहां पर ओनली वन ट्रिब्यूनल रहेगा फोर सेंटर के लिए, और अगर स्टेट के लिए हो सके तो यहां पर वन फॉर ईच स्टेट या फिर टू और मोर स्टेट के लिए भी एक हो सकता है। जैसे ऐसे नहीं गवर्नर अपॉइंट कर दिया, एक राज्य के लिए एक गवर्नर हो गया, या फिर एक राज्य दो या दो तीन से एक राज्य के लिए भी गवर्नर हो सकता है, वो वाली बात आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, यहां पर जो बी वाला होता है इसमें बोला गया कि नो क्वेश्चन ऑफ हायरार्की ऑफ द ट्रिब्यूनल, ठीक है। अगर बात करें अंडर आर्टिकल 323B, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो क्रिएट कर दिया ये उसी के लिए हो गया बेसिकली। तो ये कई सारी बातें हैं, तो बनाया क्यों गया ट्रिब्यूनल, अगर बात करें तो सीधी सीधी बात है, डोमेस्टिक जो भी केस होते हैं यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो कोर्ट के ऊपर बर्डन ना पड़े तो ट्रिब्यूनल में काम जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा पूछे तो रिड्यूस करेगा वर्कलोड यहां पर, जो फास्ट डिसीजन आने स्टार्ट हो जाएंगे और सही तरीके से एक तरीके से जो लॉयर है जो एक्सपर्ट है वो आप लोग यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे। और जैसे इन्वॉल्वमेंट हो गया, आर्म फोर्स हो गया, टैक्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, उस दिन आर्म फोर्स के बारे में डिस्कस किया था ना हम लोगों ने कि आज की डेट में क्या होता है, अगर कोई एक नॉर्मल सिपाही अगर छुट्टी पे जाता है एक दिन भी अगर वो लेट हो जाता है तो उसके खिलाफ तो केस सुन लिए जाते हैं, पर लेकिन अगर ऑफिसर जाता है और वो दो चार दिन लेट हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके खिलाफ कोई केस नहीं चलता है। तो बोला गया था कि उसमें यहां पर ऑफिसर को भी इंक्लूड करना चाहिए, याद आ रहा ना वो केस हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वही बात यहां पर है कि ट्रिब्यूनल फास्ट केस का डिसीजन देगा और वैसे नॉर्मली आप लोगों को चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रिब्यूनल जो शब्द है जिसको ट्रिब्यून आप लोग बोल सकते हैं, यहां पर ट्रिब्यून से निकाल कर लाया गया, जिसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ठीक है। तो यहां से ट्रिब्यूनल निकला, तो ट्रिब्यून जो है यहां पर बेसिकली ट्रिब्यूनल ये ऑफिशियल जो थे मोनार्की के अंडर, तो उनकी एरिस्टोक्रेसी वगैरह थी उनके आर्बिट्ररी एक्शन से बचाने के लिए, यानी कि नॉर्मल चीजें चलती रही उससे बचाने के लिए ये बेसिकली बनाया गया। तो ट्रिब्यूनल कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली एक तरीका एक आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रिब्यूनल जो है एक तरीके से यहां पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर भी एक ट्रिब्यूनल काम कर सकता है, जो कि कोई भी डिस्प्यूट है उसके बारे में ये डिसीजन देता हो आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। बाकी अगर कुछ और बातें करें, क्वाइजाई जुडिशियल बॉडी होता है, क्वाइजाई जुडिशियल क्या होता है, एक ऐसी बॉडी होता है जो कि वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा है पर लेकिन जुडिशियरी के भी पावर उसको दे दी गई है, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए वैसे तो मैं टीचर हूं पर लेकिन पता चला मैं साथ में आप लोगों को हेल्थ से रिलेटेड भी टिप देना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो एक तरीके से काम तो टीचिंग का है पर लेकिन इसके बारे में जितना मैं अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रहा हूं वो आप लोगों को बताना स्टार्ट कर दूं, तो एक तरीके से दो चीजें मिक्स हो गई। तो यानी कि पूरा जज भी नहीं है और पूरा यहां पर एक तरीके से मैटर तो एडमिनिस्ट्रेटिव का है पर पूरा जज नहीं है, पर हां जजिंग से रिलेटेड भी मैटर दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए यहां पर, तो रिजोल्व करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी दिक्कत रहती है उनके सोल्यूशन निकालने के आते हैं, तो एजुकेट करता है, कोई भी लड़ाई होती है उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं, इसी के साथ में डिटरमाइन करता है क्या क्या जो बेसिकली राइट होने चाहिए, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होने चाहिए, रिव्यू करता है जो भी यहां पर जो चीजें निकल कर आती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से रिलेटेड, ताकि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये ट्रिब्यूनल के रिलेटेड मैंने पूरा आप लोगों से कई सारी बातें डिस्कस कर दी एक ही के अंदर मैंने। वैसे तो यहां पर इनके द्वारा तो देखिए आर्टिकल में आप लोग जाएंगे तो क्या मिलेगा, आर्टिकल में बस बात की जा रही है एनसीएलटी के बारे में, ठीक है। पर लेकिन हम लोगों ने क्या क्या देखा यहां पर, एनसीएलटी के साथ साथ में एनसीएलटी भी देख लिया, इसी के साथ में मैंने आप लोगों को एनजीटी भी बता दिया, ठीक है। एनजीटी के साथ साथ में हम लोगों ने यहां पर एक क्वेश्चन भी देखा, इसके अंदर मैंने डिफरेंस भी बता दिया हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल के अंदर क्या डिफरेंस है, इनकी हायरार्की क्या है ये भी आप लोगों को देखने को मिली, और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें बता रखी है वो भी बता दिया। तो मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में चीजें समझा दी इसी आर्टिकल के अंदर, ये अलग अलग कई सारे आर्टिकल इंक्लूड हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चहुमुखी विकास हो गया आप लोगों का इस आर्टिकल को लेकर, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे ये है नीपा वायरस के बारे में। तो नीपा वायरस के बारे में तो हम लोग समझेंगे, पर लेकिन ये आर्टिकल जो था मैंने बोला था ना केरला के बारे में, तो यहां पर केरला अगर आप लोग देखेगा साउथ इंडिया का हमारा राज्य हो गया, कर्नाटका और बेसिकली तमिलनाडु के साथ में टच करता है केरला। और जब आप लोग बात करेंगे पुदुचेरी के बारे में, याद रखना पुदुचेरी के चार डिस्ट्रिक्ट है, क्वेश्चन बन जाता है कई बार उनके बारे में, याद रखना। एक तो हो गया यहाँ पर, ये हो गया यनम, ये हो गया कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। एक पुदुचेरी तमिलनाडु के अंदर है, एक पुदुचेरी आप लोगों को यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेगा कराईकल, यानी कि चार डिस्ट्रिक्ट है और एक है यहाँ पर है पुदुचेरी। तो पुदुचेरी के जो चार डिस्ट्रिक्ट है उसमें से एक आंध्र प्रदेश, दो तमिलनाडु और एक केरला के अंदर भी है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब थोड़ी सी बातें करेंगे जो बेसिकली आर्टिकल के अंदर है उसमें क्या क्या बातें बोली गई है। एक शब्द मैंने आप लोगों को यहां पर लिखा हुआ दिखाया था, अगर आप लोगों को फिर से मैं एक बार आर्टिकल के ऊपर लेकर चलूं जहां हम लोगों ने रिव्यू किया था, आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहां पर ये शब्द लिखा होता नारकोटिक जिहाद, लव जिहाद का नाम सुना है ना आप लोगों ने, लव जिहाद को कैसे बेसिकली अभी एक्सप्लेन किया गया था कुछ दिनों पहले जो काफी ज्यादा न्यूज में था। तो लव जिहाद का मतलब ये माना जाता है कि कोई मुस्लिम लड़का जो है वो नॉन मुस्लिम लड़की के साथ में शादी करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर लेता है बेसिकली अपने रिलीजन के अंदर में, तो उस शब्द को लव जिहाद दिया गया। तो यहां पर इसका बेसिकली उसी तरीके से कंपेयर करते हुए एक वर्ड यूज निकल कर आ रहा है जिसको बोलते हैं नारकोटिक जिहाद। नारकोटिक जिहाद में क्या बोला गया कि नॉन मुस्लिम लड़कों को नशे की आदत दिलाई जा रही है, बेसिकली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हैं उनके द्वारा। ये कमेंट किया गया यहां पर एक जो बेसिकली कैथोलिक जो है एक तरीके से चर्च के अंदर में जो सब बेसिकली जो है यहाँ पर इनके वो नहीं होते हैं जो मतलब वर्ड क्या यूज किया था एग्जैक्टली, जैसे पुजारी होते हैं ठीक है यहाँ पर मंदिर में, और यहाँ पर उसी तरीके से जो इनके मतलब जो हेड होते हैं रिलीजन के उनके द्वारा ये कमेंट किया गया, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई केरला के अंदर में। तो यहां से वर्ड निकल के आया नारकोटिक जिहाद जिसको बोला गया। तो ये केरला के अंदर जो इशू देखने को मिला था इसके ऊपर कई सारी चीजें निकल कर आई, कई सारे कमेंट चल रहे हैं। तो ये इस तरीके से कैसे इनके द्वारा यहाँ पर जो हेड है ये तक बातें बोल दी गई कि अगर आप लोग मार्केट में सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो मुस्लिम अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है उससे सब्जी मत खरीदना, इसी के साथ में कोई रिक्शा चलाने वाला ये सब काम करने वाला कोई मुस्लिम है तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके से उसकी ऑटो रिक्शा में मत बैठना, ये लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं और रिलीजन कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सब जब किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हेड के द्वारा यूज किए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में एक जो हारमोनी चल रही है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई इसके बारे में अगर बात करें ठीक है। केरला काफी इंपॉर्टेंट है खासकर रबर के प्रोडक्शन में अगर आप लोग बात करें, तो कई सारी और भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिल रही है आज के में। पेंडेमिक के चलते कोरोना वायरस जो है वो अपनी पकड़ जमा चुके हैं, अभी नीफा वायरस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा ही। तो केरला की काफी बुरी हालत आज के डेट में हो रखी है। इसी के साथ में केरला में 2018 में 2019 में लगातार दो बार बाढ़ देखने को मिल चुकी है, तो वहां पर किसान जो है वो काफी ज्यादा बर्बादी की ओर चल रहे हैं, तो ये भी दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो किस आज के डेट में केरला की खस्ता हालत हो चुकी है यहाँ पर राइटर ऐसा बोल रहे हैं। तो जरूरी है कि सोसाइटी में शांति बनाकर रखी जा सके तभी चीजें जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। अभी हम लोग बात करेंगे नीपा वायरस के बारे में। तो नीपा वायरस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बात बोलूं तो बेसिकली इसका जो नेचुरल होस्ट होता है वो याद रखना वो होता है एक तरीके से फ्रूट बैट, यानी कि जो फल पत्तियां खाने वाला जो चमगादड़ है वो होता है। नेचुरली का मतलब क्या होता है, उसके अंदर नेचुरली ये चीजें अवेलेबल है, भले ही वो इंसान के पास में पहुंचे ना पहुंचे, बाहर निकल कर आए ना आए, पर लेकिन नेचुरली उसकी बॉडी में वो है, तो इसलिए इसको नेचुरल होस्ट बोला जाता है ठीक है। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर ये है, नुकसान नहीं पहुंचाते, इसकी बॉडी का पार्ट है, पर लेकिन जब ये बाहर निकल कर आते हैं और ये एक तरीके से फल फ्रूट्स ये खाते हुए नजर आते हैं तो फिर ये फल फ्रूट्स इंसानों के पास में जाते हैं। इन्होंने कुछ खाया फल फ्रूट्स, वो हम लोगों ने खा लिया, मान लीजिए चमगादड़ है बैठा हुआ है कहीं पर ठीक है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे प्रॉपर टेलीग्राम पर मैंने एक वीडियो डाली यहाँ पर, जब आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग समझ पाओगे, जैसे आप लोग यहाँ पर इसको देखें यहाँ पर ठीक है। तो ये इस तरीके से जब आप लोगों को चमगादड़ देखने को मिलेगा, मान लीजिए कोई फल फ्रूट खा रहा है कहीं पर, आप लोगों ने कुछ ऐसी चीजें रख रखी हैं, तो ये कुछ इस तरीके से चीजें खाता हुआ नजर आएगा। अब मान लीजिए आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर देखे ठीक है, तो ये खा रहा है यहाँ पर, अगर इसमें कोई भी चीजें इकट्ठी की जाएंगी, कोई फल फ्रूट ऐसा खा लिया, अब इंसान उसको खाएगा तो इसके अंदर से क्या हो गया, ये एक जूनोटिक बीमारी बन गई, यानी कि यहां से निकलकर ये जो बीमारी है अब इंसान के अंदर जाएगी, तो उसी बीमारी को जूनोटिक बीमारी बोलते हैं। तो ये वीडियो मैंने अभी टेलीग्राम पर शेयर किया, आप लोगों ने इसको देखा होगा, जिस किसी ने नहीं देखा है देख लेना, देखिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को एक जगह इकट्ठी मिल जाती है, सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसी के साथ में जो फ्रूट बैट है इसको फ्लाइंग बेसिकली फॉक्स के नाम से भी आप लोग जानते हैं, तो इसी के द्वारा यहां पर ये आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। नेचुरल ये रिजर्वायर है ये बेसिकली नीफा वायरस का भी और हिंड्रा वायरस ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहले नीफा वायरस के बारे में जानते हैं। नीफा वायरस सबसे पहले 1998 में ये आप लोगों को मलेशिया में देखने को मिला, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं ठीक है। अभी फिलहाल जो है अगर बात करें तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जूनोटिक बीमारी के बारे में क्या बातें होती है यहां पर, ये एक तरीके से ऐसी बीमारी है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आप लोगों को ट्रांसमिट होती हुई नजर आएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर हो जाती है। अगर बात करें यहां पर जो नीपा वायरस है, ये बेसिकली एक तरीके से नीपा वायरस जो है यहां पर आप लोगों को आरएनए जो होता है जिसको राइबो न्यूक्लियर जो बेसिकली एसिड बोलते हैं ठीक है, तो वो इसकी कोज आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली फैमिली का नाम बोला गया यहां पर,
ये बेसिकली पैरा माइकोसोविड है, ठीक है। तो ये बेसिकली हिंड्रा वायरस भी इसी में से निकल कर आता है, और इसी के साथ में हैनिपा वायरस, ठीक है। तो ये जेनेसिस है हैनिपा वायरस, यानी कि फैमिली का नाम यहाँ पर बताया गया, उसी फैमिली के बच्चे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। यानी कि फैमिली में कई सारे बच्चे हो जाते हैं। तो निपा वायरस और हिंड्रा वायरस को कंपेयर करके देखा गया, एक तरीके से लगभग मिलते हैं, और यहाँ पर हॉर्स और ह्यूमन आप लोगों को दोनों के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए इनको जूनोटिक बीमारी बोला गया है। फिर से याद रखिए, जूनोटिक बीमारी वो बीमारी होती है जो एनिमल से इंसानों में फैलती है और फिर इंसानों से इंसानों में ट्रांसमिट होने लगती है। मलेशिया और सिंगापुर में देखने को मिला यहाँ पर 1998 में और 1999 में सबसे पहले। इसी के साथ में डोमेस्टिक पिग, जो घर में सुअर वगैरह पाले जाते हैं, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में डॉग, कैट, जो हॉर्स, शीप, इन सब में भी आप लोगों को डोमेस्टिक एनिमल में चीजें नजर आएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि इससे बचा जाए। कहीं पर भी अगर इसका मल मूत्र सलाइवा आप लोगों को कहीं पर भी अगर इस तरीके से फल फ्रूट्स पर या कोई भी ऐसी चीजें कि इंसान कंज्यूम कर ले तो ये इंसानों में पहुंच गया, तो फिर कहानी जो है वो खराब होने लगती है काफी लार्ज स्केल पर। दिक्कतें क्या देखने को मिलेगी, सर दर्द हो जाएगा, सर में दर्द होगा, फीवर हो जाएगा आप लोगों को, कि जी मचलना, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, कंफ्यूजन, एक तरीके से डेथ भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल जाती है। इसकी वजह से कोई वैक्सीन अब तक यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो नॉर्मल सपोर्ट सिस्टम है वही प्रोवाइड कराया जाता है, उसी से चीजों को बचाने की कोशिश की जाती है। तो निपा वायरस ने भी केरला के अंदर काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट डाला, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है, तो इसकी वजह से बार बार बातें की जा रही है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर ये हम लोगों ने बेसिकली बात कर ली, ये आर्टिकल आप लोगों से यहां पर हो गया, ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों ने देखा केरला के बारे में, और ये हो गया हम लोगों ने एनसीएलटी और वो सब। अब अफगानिस्तान के बारे में थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लेता हूं। देखिए अफगानिस्तान में जब से आप लोग देखेंगे आज की डेट में अगर कंपेयर करेंगे, बेसिकली यहां पर यूएसए के द्वारा एंट्री की गई थी यहां पर 2001 में, 2001 में एंट्री करने के बाद में 2021 में यूएसए यहां से बाहर निकल के गया। तो ये जो टोटल 20 साल यहां पर रह के गया है, 20 साल में यहां पर इसने बेसिकली काफी कुछ काम भी किया। अगर ग्राउंड लेवल पर बात करें, एजुकेशन का लेवल यहां पर बढ़ गया, हेल्थ का लेवल बढ़ गया, कनेक्टिविटी, रोड वगैरह बनाई, और भी कई सारे डेवलपमेंट किए। अफगानिस्तान की फोर्स को ट्रेन किया गया और भी इनको मॉडर्नाइज किया गया, ताकि यहां पर अलकायदा और तालिबान जो है वो पावर में न आ सके, ये काम किया गया। पर लेकिन रियलिटी में ये जो कंट्रोल इनके द्वारा करना था वो कंट्रोल ये उस तरीके से नहीं गए जैसे इनके द्वारा सोचा गया था। यहां पर तालिबान जो है वो ग्राउंड लेवल पर पनपता रहा और आज के लिए पूरा कंट्रोल इन्हीं का आ गया। जब यूएसए के अंदर ट्विंस टावर में को हवाई जहाज निकाला गया था जिसको 9/11 का अटैक बोलते हैं, तो तब से लेके यहां पर ये इसके अंदर एंट्री की थी और यहां पर बोले थे चीजों को नॉर्मल किया जाएगा, पर लेकिन तालिबान को ही तालिबान से रिप्लेस कर दिया 20 साल के बाद में यूएसए ने। तो इसके चलते काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ये घुसा कैसे था यहां पर, जब अटैक किया गया यूएसए के अंदर, तो ये बेसिकली ओसामा बिन लादेन के पीछे पीछे पहुंचे थे अफगानिस्तान, पर लेकिन ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से फरार होकर पहुंच गया पाकिस्तान। तो जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचा तो घुसकर पाकिस्तान में उसको मारा गया, पर अफगानिस्तान में बोलने लगे कि अब तो यहां पर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश कर जाएंगे, आतंकवाद को खत्म करके जाएंगे, टेररिज्म यहां पर नहीं रहने देंगे। पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यूएसए जो है घुटनों पर आ गए यहां पर तालिबान के सामने और यहां पर उसको छोड़कर जाना पड़ गया। ऐसी कंडीशन आप लोग यहां पर देखते हैं। आज तो ये बोल सकते हैं शब्द की यूएसए घुटने पर आ गया, दूसरा आप लोग ये भी बोल सकते हैं यूएसए ने यहां पर समझदारी वाला काम किया है। यूएसए बेसिकली ये सोच रहा है कि मैं आखिर क्यों यहां पर इस एरिया में जाकर शांति बनाने का काम करूं, यहां पर मैं शांति बना रहा हूं, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बाकी आसपास वाली कंट्री हो गया, ये शांति में अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। अगर मुझे शांति में शांति बना रहा हूं वहां पर अपनी फोर्स लगाकर, अपने पैसे लगाकर, तो ये निकल गए यहां पर, तो शांति आज के में यहां पर देखने को मिल रही है। तो आसपास वाली कंट्री अपना आप चिंतित होगी, तो अब इसी के चक्कर में लग रहे हैं कैसे शांति बनाना है। पर लेकिन कभी कभी ज्यादा समझदारी जो है ना वो भी खतरनाक होती है। अभी यहां पर क्या हो रहा है, अभी ये छोड़ तो रहा है, जैसे अभी ईरान जो है वो पाकिस्तान चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं, अफगानिस्तान चाइना के कंट्रोल में आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे एरिया नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी चाइना के कंट्रोल में है। तो जैसे नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी चाइना का पपेट बन चुका है, अब अफगानिस्तान और ईरान भी चाइना का पपेट बनते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान ऑलरेडी पपेट बन चुका है। तो एक नया ग्रुप बनता हुआ जा रहा है जो कि इनको आगे जलकर इनकी नाक में नकेल कसने वाला है। तो इसलिए जरूरी था यहां पर कि कम से कम एक बैलेंस बनाकर इनको रखना चाहिए था, पर लेकिन इन्होंने वो बैलेंस नहीं बनाया, तो दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके बारे में यहां पर ये बेसिक बातें की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा अफगानिस्तान के बारे में मुद्दा था, बाकी न्यूज एनालिसिस जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, वहां पर अफगानिस्तान के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसको समझेंगे यहां पर कि क्या क्या बातें चल रही है। पर उससे पहले मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाला हूं, यहां पर ये बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जो बेसिकली कोलिजियम के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारी वैकेंसी यहां पर भरी जा रही है, मिशन मोड पर वैकेंसी भरी जा रही है। आप लोगों को पता है अगर आप लोगों से बात की जाए यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो आप लोगों से जुडिशरी के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट जो है हमारी कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कोई भी मैटर जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, तो हाईएस्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर याद रखिएगा, यानी कोई भी मैटर जो है यहां पर आकर एंड होने वाला है, तो इसको हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, अभी हमारी कंट्री में है, आजादी के
बाद से पहले यहां पर ये ब्रिटेन के अंदर हुआ करता था हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे देश का। तो हमारी कंट्री में अगर बात करें, इंडिया जो है फेडरल स्टेट है, पर लेकिन जुडिशरी हमारी कंट्री में यूनिफाइड है, यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट आते हैं। ऐसा नहीं है जैसे स्टेट है हमारी कंट्री में, स्टेट क्या है, यूनियन हो गया और स्टेट हो गए, तो वो कनेक्ट है। अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग खुद का चीफ मिनिस्टर है, अलग अलग आप लोगों को वहां पर गवर्नर देखने को मिलेगा। तो पूरा ऐसा ही पैटर्न जैसे सेंट्रल लेवल पर है। तो वहां पर आप लोगों को फेडरल सिस्टम नजर आता है, संघवाद का ढांचा नजर आता है, पर लेकिन यहां पर आप लोगों को यूनिटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। एक ही पैटर्न में ये चलती नजर आएंगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वही इंप्लीमेंट किया जाएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन याद रखिएगा, ओरिजिनली हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हुआ करते थे, तो ओरिजिनली यहां पर 7 जज हुआ करते थे। आज की डेट में कितने, यहां पर आज के डेट में 34 जज हैं। 34 जज यहां पर कब बने, 2019 में बने, उस टाइम पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए जब यहां पर 34 जज हुए। स्टार्टिंग में यहां पर कितने थे, यहां पर टोटली 7 जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो टोटल 8 थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर देते हो तो। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे 1950 में 50 तक 8 थे, 56 में जाकर 11 कर दिए, इसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 60 में जाकर 14 हो गए, यहां पर 78 यानी कि 1978 में जाकर 18 हो गए, इसी के साथ में 1986 यानी कि 1986 में जाकर यहां पर 26 हो गए, 26 2009 यानी कि 2009 में यहां पर 31 यानी कि 31 हो गए। तो आज की डेट में अगर बात करें, टोटल मिलाकर 34 जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 34 तो संख्या 34 है, पर लेकिन एक्जेक्टली यहां पर 34 नहीं है, 33 है, एक यहां पर अभी खाली है पोस्ट, याद रखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को यह बताना है कि अगर बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, बेसिकली बात करें अगर यहां पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो कितनी वुमेन जज है यहां पर, अभी आप लोगों को ये बताना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है, इसके ऊपर ही मैंने आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस किया था। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या होती है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा रिविजन कराना चाहूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोगों को जाना है तो एलिजिबिलिटी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उसकी एज जो है नॉट एक्सीडिंग 65 ईयर, ठीक है, और आर्टिकल 124 के तहत यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर कुछ कंडीशन रखी गई है कि एक तरीके से वन हाई कोर्ट, एक तरीके से यहां पर जो एक जज होता है, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो उसको हाई कोर्ट में, यहां पर अगर बात करें। इसी के साथ में एडवोकेट रहे तो लगभग 10 साल करें, या फिर प्रेसिडेंट को लगे कि इंसान सही है अपॉइंटमेंट करने के लिए आर्टिकल 124 के तहत, वो अपॉइंट कर सकता है, पर लेकिन यहां पर अभी क्या होता है, यहां पर कोलिजियम सिस्टम सामने आता है, बिना कोलिजियम सिस्टम के ये काम होता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी कि अपनी मनमानी कर यहां पर बेसिकली काम नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 124 याद रखेगा, अपॉइंटमेंट की जाती है हाई कोर्ट के बारे में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, और ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल 217, तो इंपॉर्टेंट है याद रखना। कोलिजियम सिस्टम का जो सिस्टम यहां पर क्रिएट किया गया, पहले यहां पर फर्स्ट जज केस आया ये 1981 में, फर्स्ट जज केस के टाइम पर यहां पर क्या रहता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने हिसाब से डिसीजन दिया करते थे किसको अपॉइंटमेंट करना है, क्या चीजें हैं, तो उसके हाथ में मैक्सिमम पावर हुआ करती थी और गवर्नमेंट भी यहां पर पार्टिसिपेट करती थी। पर लेकिन आगे चलकर सेकंड जज केस आया 1993 में, एक कोलोजियम नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 2 जज और लगा दिए और बोला कि अब ये डिस्कस कर किसी को अपॉइंट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। फिर लगा यार 3 जज काफी नहीं है यहां पर, कम से कम 5 होने चाहिए, तो 1998 में फिर यहां पर आर्टिकल 143 के तहत यहां पर प्रेसिडेंट को बेसिकली एडवाइस देने का भी काम यही करेंगे। तो इसी के चलते यहां पर टोटल मिलाकर 5 जज का सिस्टम अभी बना दिया, इसको बोलते हैं कोलोजियम सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, कोलोजियम सिस्टम में जब यहां पर किसी को अपॉइंट किया जाता है, तो फिर यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो चेक करते हैं यहां पर जिस इंसान को अपॉइंट कर रहे हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो सही है क्या, फिर ये चेक करते हैं यहां पर कि हां उसके ऊपर कोई केस नहीं है, उल्टी सीधी हरकतें नहीं है, तो जब जाकर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट का भी खुद का कोलोजियम सिस्टम होता है 5 इंसानों का, ठीक है, 4 अदर जो जज और सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और यहां पर ये जब डिसीजन लेते हैं तो वो भी अप्रूवल जो दे देते हैं वो भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट से ही अप्रूवल होकर आता है, तब जाकर फिर उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, यानी फाइनल अथॉरिटी यहां पर सुप्रीम कोर्ट हो गया, इंपॉर्टेंट है याद रखना। बाकी आर्टिकल 124 के तहत अगर अपॉइंटमेंट अगर हो गया उसके बाद में रिमूव कर रहे हैं तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होगी, तो इसको रिमूव किया जाएगा यहां पर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। और उसका एक प्रोसीजर है जिसको आप लोग नॉर्मली एक तरीके से हटाया जाता है, पर इंपीचमेंट वर्ड प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, पर कई जगह आप लोग को देखने को मिल जाता है। एटलीस्ट 50 मेंबर होने चाहिए राज्यसभा के यहां पर जो बोले कि जज को हटा दो, और 100 मेंबर लोकसभा के बोले कि जज को हटा दो, तो जज इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, उसके हिसाब से इसको हटाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, वो रिव्यू करेगी क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद में यहां पर रिमूवल का प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहां पर मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर देखने को मिलती है तो फिर रिमूवल का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके चलते यहां पर ये पूरी प्रोसीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर जेटली साहब के द्वारा यहां पर कुछ शब्द भी बोले गए थे, जो मैंने बोला था कि बोला गया था कि देयर आर 2 काइंड ऑफ जजेस, ठीक है, एक तो वो है कि एक तरीके से जो नॉर्मली जज ही बना रहना चाहते हैं अगर बात करें तो,
जज है, एक तरीके से जज का ही काम करना चाहते हैं। तो बोला गया दोज हु नो द लॉ, यानी कि जो लॉ जानते हैं तो वो है, और दूसरा है जो दोज हु नो द लॉ मिनिस्टर, यानी कि जो लॉ मिनिस्टर को जानते हैं, यानी कि अपनी एक तरीके से ना कि कुछ ना कुछ फायदा लेना है, कल को चला जज से रिटायर हो गए तो कुछ और मिल जाए आगे चलकर, तो वो वाली बातें बोलेगी। तो जज को इंडिपेंडेंट रखने के लिए यहां पर ये सारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया ताकि आसानी से चीजें चलती रहे, ठीक है। तो ये पूरा कोलेजियम सिस्टम मैंने आप लोगों को समझा दिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं नेक्स्ट, यहां पर हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में। अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उसके बारे में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। अभी यहां पर कुछ चीजें चेंज की गई, जैसे कि आगे आने वाले टाइम में फुटवेयर चप्पलें वगैरह गारमेंट्स जो भी कपड़े वगैरह आप लोग पहनते हैं, ठीक है, उनका प्राइस बढ़ चुका है। पहले उनके ऊपर 5% बेसिकली टैक्स लगा करता था, अब 12% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, एक तरीके से आने वाले टाइम में यानी कि आप लोगों के ऊपर जो है महंगाई का और भार यहां पर पड़ने वाला है। तो ये डिसीजन किसके लिए द्वारा गया, जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। इसी के साथ में जीएसटी काउंसिल ने कई सारी चीजें सस्ती भी की है, खासकर जो दवाइयों से रिलेटेड चीजें हैं वो सस्ती की है। कैंसर की दवाइयां 12% से 5 पे ला दिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो कई सारी स्कीम के तहत इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहाँ पर अगर कोई चीजें हैं उसके लिए जो यूज की जा रही है उसके 18 से 5 पर ला दिए। तो कई सारी चीजें सस्ती भी की गई है। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई दिया, इसमें यहाँ पर काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, 5 से 12 पर यहाँ पर पहुंचा दिया है टैक्स, जो यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आएगी। तो कई सारी चीजें पर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बोली गई है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जो जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, आप लोगों को पता है ना अलग अलग राज्य में आप लोगों को पेट्रोल और डीजल के प्राइस अलग अलग देखने को मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि क्योंकि वो जीएसटी के अंदर नहीं आते, उस पर सेंट्रल और स्टेट जो है अलग से टैक्स लगाते हैं अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी कमाई के हिसाब से, तो इसलिए दिक्कत आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है ये तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हमारी कंट्री में 122वां संविधान में अमेंडमेंट बिल लाया गया था, उसको जब पास किया तो एक्ट बन गया 101वां। रीजन क्या है, अगर कोई पूछने लगे बिल का नंबर ज्यादा क्यों रहता है और अमेंडमेंट एक्ट का नंबर कम क्यों रहता है, क्योंकि बहुत सारे बिल जो है वो पास नहीं होते हैं, इसकी वजह से यहां पर अमेंडमेंट एक्ट और बिल में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो 2016 में इसको पास किया गया और यहां पर फिर यहां पर 1 जुलाई को आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में जीएसटी डे के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 टैक्स लाए गए, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और इसी के साथ में इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसके तहत यहां पर कई सारे टैक्स जो है सब्ज्यूम किए गए और ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे जिनको सब्ज्यूम यहां पर किया गया। आईजीएसटी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर याद रखिएगा एक तरीके से ये कोऑर्डिनेट करने का काम करता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच में। आर्टिकल 200 याद रखिएगा 246 आर्टिकल जो ए है, ठीक है, तो ये बेसिकली द स्टेट हैव द पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विस, यानी कि ये आर्टिकल यहां पर बात करता है कि गुड्स एंड सर्विस एक तरीके से टैक्स लगाया जा सकता है, स्टेट के हाथ में पावर है, तो इस आर्टिकल से ये बातें निकल कर आती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, क्योंकि जीएसटी ह्यूज लेवल पर न्यूज में रहती है। अगर बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में तो आर्टिकल 279A याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है काफी। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आप लोग याद रखिएगा, इसके हिसाब से जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पावर जो रहती है 1/3 रहती है यहां पर इनके पास में और 2/3 रहती है यहां पर स्टेट के पास में, अगर बात करें यहां पर, ठीक है, जो बेसिकली डीजल लेने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट को ज्यादा पावर देगी, इसे जीएसटी को बोला जाता है कि फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जीएसटी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को यहां पर बताई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए माइंड में, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है यह है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। पहली बार हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा डायरेक्ट कमेंट किया गया अफगानिस्तान के ऊपर, बोला गया पॉलिटिकल चेंज इन अफगानिस्तान नॉट इंक्लूसिव, यानी कि सबको साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं तालिबानी, वो बेसिकली अपने अपने हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं। ये बात बोली गई संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में। तो यहां पर SCO जिसको आप लोग बोलते हैं और कलेक्टिव जो बोला गया यहां पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके तहत यहां पर ये बातें आप लोगों को देखने को मिली। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, एस जयशंकर साहब के द्वारा भी बोला गया कि LAC वाला जो मुद्दा चल रहा है उसको यहां पर निपटाना चाहिए। अभी यहां पर इंडिया और चाइना आप लोग देख रहे हैं आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दुशानबे में यहां पर ये बातें चल रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर ये कहां पर है, ये बेसिकली तजाकिस्तान के अंदर है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये लोकेशन भी आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, ये पर्टिकुलर मीटिंग कहां पर देखने को मिली, ठीक है। तो कहां पर है, ये तजाकिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तजाकिस्तान आप लोग यहां पर अगर देखना चाहते हैं, एक मिनट रुकिए, इसमें यहां पर आप लोग देखेगा आप अच्छे से देख पाएंगे, अगर थोड़ा सा जूम करेंगे इसको तभी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब तजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर बेसिकली मीटिंग देखने को मिल रही है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा यहां पर, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब G20 से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया तो संघाई तो फिर भी बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर है, पर ओरिजिनली 8 नहीं थे, ओरिजिनली 5 थे, चाइना,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान। तो पांच पांडव के द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। आगे चलकर इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ गया 2001 में, पर लेकिन यहां पर ये चीजें नहीं रुकी। फिर ये इंपोर्टेंट बन जाते हैं 9 जून 2017 में, दोनों जो हैं बेसिकली दोनों जो बेहतरीन लंगोटिया यार हैं इंडिया और पाकिस्तान, फिर वो जाकर इसका पार्ट यहां पर बन गए। तो ये जो पार्ट बने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, याद रखिएगा 2017 में ये अस्थाना कजाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग हुई थी जहां पर ये इसका पार्ट बने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो इंपोर्टेंट है इसके बारे में ये बातें बेसिकली याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना के अंदर में है और इसका जो फॉर्मेशन किया गया था वो 1996 में किया गया था, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है चाइनीज और रशियन बेसिकली यहां पर लैंग्वेज नॉर्मली यूज की जाती है। अभी आगे ये बोल रहा है कि जल्दी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईरान को इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। ईरान देखने को मिल सकता है, फिर अफगानिस्तान देखने को मिल सकता है, क्योंकि चार ऑब्जर्वर जो हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर हैं। तो आने वाले टाइम में ये इसका मेंबर यहां पर बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने ये वाला बोला था कि एलएसी के बारे में बात करें तो याद रखना इंडिया और चाइना पाकिस्तान के बीच में आप लोग एलओसी भी देखने को मिलेगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अक्साई चीन वाला पोर्शन जो है इनके कंट्रोल में चाइना के, तो इसको लाइन ऑफ जो यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला मुद्दा है, तो काफी लंबे समय से चल रहा है मुद्दा, और बाकी एक ही जगह नहीं है, कई जगह और भी लड़ाई चल रही है इंडिया और चाइना के बीच में, तो इनको सुलझाने की बात इनके द्वारा की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रख सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिया गया केरला के अंदर आप लोग फिजिकल एग्जाम भी यहां पर कंडक्ट करा सकते हैं। फिजिकल एग्जाम मतलब जाकर पर्टिकुलर सेंटर पे बच्चा एग्जाम दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें यहां पर बोली गई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकल के आता है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये निकल के आता है कोविड 19 की वजह से केरला वैसे ही जूझ रहा है, वहां पर ऑलरेडी फेस्टिवल ओनम सेलिब्रेट किया गया उसकी वजह से दिक्कत होगी, अभी वहां पर निपा वायरस देखने को मिल रहा है, तो एक तरीके से इंसान की जान जो है वो काफी खतरे में यहां पर और भी पड़ सकती है अगर उन मुद्दे को देखे। तो याद रखिएगा राइट टू लाइफ, मैंने आप लोगों को बताया राइट टू लाइफ जो है वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत, तो ये इसलिए यहां पर कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। और एजुकेशन जो है उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, एजुकेशन जो है संविधान के अंदर जाएंगे तो सातवें शेड्यूल के अंदर तीन लिस्ट देखने को मिलती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्केन लिस्ट, ठीक है। तो उसमें जब कॉन्केन लिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहां पर एजुकेशन को रखा गया, और पहले स्टेट लिस्ट के अंदर था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, तो उसके बाद में उसको वहां से हटाकर कहां पर ला दिया, उसको कॉन्केन लिस्ट में ला दिया स्टेट लिस्ट से निकालकर, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, ये एक अच्छा डिसीजन मुझे लगा, अभी हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया जिसमें बोला गया कि 10 लाख ईच जो विडोज हैं जो मैनुअल स्केवेंजर थे उनकी जो वाइफ को 10 लाख यहां पर अभी दिए जाएंगे हर एक को, ठीक है। तो यहां पर कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया। मैनुअल स्केवेंजर क्या होते हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इस तरीके से गटर में निकलकर गटर को साफ कर रहा है, ठीक है, और पता चला उसकी डेथ हो गई, तो काम किसके लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए कर रहा है, और इंसान की डेथ होगी, इसके परिवार के ऊपर जो डिपेंड, इसके ऊपर जो डिपेंडेंट परिवार है उसका क्या होगा। तो यहां पर कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि इस तरीके से जान चली जाती है। तो इसके चलते एक पर्टिकुलर एक्ट है 2013 का जिसमें रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन के बारे में बात करते हैं इस मैनुअल स्केवेंजर को, तो उसी के चलते यहां पर भी ये बात सामने निकल कर आई। तो मुद्दा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लिखने के लिए आया है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग सजेशन में बात कर सकते हैं कि इस तरीके से कंपनसेशन आप लोग प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके, ठीक है। देखिए वैसे तो बात कुछ और बोली गई है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से ऐसे निकल जाते हैं कई बार। जैसे बात की गई है बाइडेन के द्वारा बोला गया कि मैथेन का एमिशन जो है वो कट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में अगर मैथेन को देखेंगे तो ज्यादा हाई पोल्यूशन फैलाने वाली होती है, ज्यादा हाई टेम्परेचर बढ़ाने वाली होती है, और इवन अगर बायोगैस जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थी उसके कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से जनरल साइंस के अंदर, तो कंफ्यूजन मत रखना। मैथेन जो होती है जिसको CH4 बोलते हैं वो 50 से लेकर 75% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 बोलते हैं 25 से लेकर 50% तक आप लोगों को देखने को मिल सकती है, नाइट्रोजन N2 ये लगभग 0 से लेकर 10 तक, हाइड्रोजन 0 से लेकर 1 तक, और हाइड्रोजन जो सल्फाइड होती है H2S बोलते हैं जिसको 0 से लेकर 0.5, और ऑक्सीजन इसके अंदर काफी कम, ठीक है। तो ये कंपोनेंट होते हैं बायोगैस के। अभी कई सारी बातें क्यों की जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है 26 अभी यहां पर कहां पर, याद रखिएगा ये ग्लासगो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसी के चलते यहां पर यूके के अंदर ये बातें सामने निकल कर आएंगी, तो उसी के चलते यहां पर ये चीज देखने को मिल रही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था, ये यहां पर डिस्कस किया था हम लोगों ने, ये आप लोगों से आप लोगों को ये बताना है कि इसका जो हेड कौन करने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, और सारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर चीजें भी शेयर की थी, याद होगा, उस स्लाइड को भी आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हमारी कंट्री में रेलवे के अंदर कई सारे अभी यहां पर चेंजेस लाए जा रहे हैं, रेलवे के अंदर कई सारे एरिया से कोर हो गया COFMOW, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि RVNL और IRCON इनके मर्जर भी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं,
तो यहाँ पर रेलवे को एक तरह से उन्हें बोलता है जो नेशनल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारी कंट्री में कि हाँ एक तरह से प्राइवेट के हाथ में इसको दिया जा रहा है किराए पर एक तरीके से बोल रहे थे। ठीक है, तो बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखने को मिलेगा, तो प्राइवेट को पार्टिसिपेट किया जा रहा है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कर जो है यहाँ पर उसका देखने को मिलेगा वर्कशॉप, तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जा रहा है। तो कई सारे मुद्दे में रेलवे को बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा ताकि चीजों को इंप्रूव किया जा सके, ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है। WTO के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया है, कई बार आप लोगों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में देखने को मिलता है, तो बैकग्राउंड में क्वेश्चन बने तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ताकि आप लोग उसको चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बातें करूं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 1995 में इसको बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बोला था पेन कॉपी आप लोग लेकर बैठेगा, अगर कोई पॉइंट बताता हूं तो उसको नोट डाउन करते रहना। ठीक है, तो लगभग 26 ईयर यहां पर हो चुके हैं जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इससे पहले क्या था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, इससे पहले GATT हुआ करता था, इसको बोलते थे क्या बोलते थे, इसको बोलते थे जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो ये हुआ करता था यहां पर। फिर आगे ये बनाया गया था यहां पर 1948 में, पर लेकिन ये 1948 से 1995 तक चला, फिर और ज्यादा डिटेल में चीजें देखने को मिली तो यहां पर कई सारी चेंजें हो गए। रीजन क्या था आप लोग समझिए, देखिए 1948 में बनाया गया तो 1995 में WTO को बनाना पड़ गया क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर चीजें चेंज हुई ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, इवन अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं आप लोग देखते हैं LPG रिफॉर्म हुए। ठीक है, 1990s में चल के क्या हो गया आप लोगों को पता है, USSR का विघटन हो गया। ठीक है, तो 1990s में, तो इसके चलते काफी सारी चीजें हो गई यहां पर चेंज, तो ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देखने को फिर मिलने लगी। ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है जो इसके जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है आज की डेट में उनके बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा चुका, EPFO के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा PCS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, शायद राजस्थान के अंदर, उसके आसाम के अंदर पूछा गया, पता नहीं शायद या हरियाणा के अंदर पूछा गया, राजस्थान PCS के अंदर पूछा गया, क्योंकि जिनका नाम है यहां पर, इनका नाम है यहां पर नोगोजी ओंकोज अवेला, तो जिनके बारे में डिस्कस किया था, नाइजीरियन पर्सनैलिटी और फर्स्ट वुमेन यहां पर बेसिकली ये प्रेसिडेंट बनी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, मैं एक बार इनकी पिक्चर भी आप लोगों को बेसिकली मैंने शेयर किया टेलीग्राम पर। ठीक है, देखना आप लोग यहां पर टेलीग्राम पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इनका बेसिकली फेस आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि अगर फेस आप लोग याद रखेंगे तो देखिए क्या होता है, मैंने जब क्वेश्चन देखा ना तो मुझे एकदम इनका फेस याद आ गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, ये है ये पर्सनैलिटी। ठीक है, आप लोगों के सामने यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो ये है ये पर्सनैलिटी जो कि यहाँ पर फर्स्ट अभी बनी है, जिनके बारे में आप लोगों को पहले भी कई बार बताया था, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इनको लेकर नहीं होना चाहिए। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था इसका आंसर यहाँ पर डी हो गया, आप लोग यहाँ पर देखते हैं हेलेना, ये बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन आप लोगों के सामने है, तो कहां पर हो गया ये बेसिकली आप लोगों को साउथ अटलांटिक ओशन में आप लोगों को ये लोकेशन देखने को मिलेगी। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो कई सारे बच्चों के द्वारा क्वेश्चन अच्छे से आंसर दिए गए, तो मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन जो भी अच्छे आंसर दिया करेगा आप लोगों को मैच करने हुआ करेंगे, तो मैच कर लिया करना है यहाँ पर, नविया के द्वारा आंसर काफी अच्छे दिए गए तो मैंने इनको शेयर कर दिया था टेलीग्राम पर। ठीक है, तो जो अच्छे आंसर दिया करेगा उसके आंसर जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करूंगा, आप लोग उनको मैच भी कर लिया करना। ठीक है, तो ये भी सही है एक तरीके का। ठीक है, तो इसको भी आप लोग उस तरीके से देख लेना। अगर बात करें यहाँ पर इसके बारे में, मैं कोशिश ये किया करूंगा कि ताकि आप लोगों को कई बार बच्चे बोले सर आंसर तो बता दिया करो, तो टेलीग्राम पर कम से कम मैं जरूर शेयर कर दिया करूंगा। ठीक है, उसी पर्सन का ये बेसिकली नाम रहेगा जो डिफरेंट आंसर देगा। तो मैंने पूछा था यहाँ पर, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए, गिग वर्कर टेम्परेरी वर्कर सर्विस सेक्टर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, 12 डिजिट आधार कार्ड, 5I के बारे में पूछा था, तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली UK, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड और 9 कोस्टल राज्य मैंने आप लोगों को बताए दिए, और संतानम कमेटी थी जिसके बेस पर CBI को बनाया गया था। ठीक है, तो बाकी आप लोग जरूर लेक्चर को रेट किया करो, इससे मुझे पता चलता रहता है कि लेक्चर कैसा चल रहा है, कोई कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलता है, तो आप लोग भी इसको रेट जरूर किया करो। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, और ये हिस्ट्री का पोर्शन कैसा लगा बताइए, एक छोटा सा पोर्शन डेली हिस्ट्री का कवर करा दिया करूंगा, बताइए तब तक एग्जाम आ रहा है आप लोगों का, कुछ छोटा छोटा जो भी मुझे लगे या फिर लेक्चर के बीच में जो भी होता रहेगा उसको बताते रहेंगे, बताइए आप लोग क्या इसके बारे में राय रखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर मिल जाएगी, और बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं आप भी यहां पर पार्ट बन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।